नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम, नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर एलजेब्रा हम कर रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत मैंने आपको थ्योरम कराई थी कुछ। उसके बाद आइए नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। तो मेन हेडिंग क्या है आपकी, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, अदिश गुणनफल जो होता है, उसकी विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें मैंने कितनी थ्योरम कराई थी आपको, ठीक है, चार थ्योरम करा दी थी, पांचवी थ्योरम है ये, थ्योरम नंबर 5, ठीक है, थ्योरम नंबर 5, ठीक है। तो चार थ्योरम मैं आपको करा चुका हूँ, आज करेंगे हम थ्योरम नंबर 5। देखो ये थ्योरम क्या है, देखो इस तरीके से है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ला था ना प्लस में, बस यहाँ बीच में माइनस है। इस तरीके से है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, डिस्ट्रीब्यूशन ला में यहाँ बीच में प्लस होता था, तो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, इस तरीके से हो जाएगा। तो है ना, ये जो है आपका, ये ही थ्योरम नंबर 5 है, ये प्रॉपर्टी है एक स्केलर प्रोडक्ट की। आइए इसे प्रूफ करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपके याद भी होनी चाहिए और इनका प्रूफ भी आपको आना चाहिए। देखो इसे लेके चलेंगे और वो ले आएंगे। तो वी हैव वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। देखो इसे ऐसे लिख लो, वेक्टर ए, अब देखो इसे दोबारा प्रोजेक्शन वाले मेथड से करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ला जो है वो तो आप प्रूफ कर ही चुके हैं, ठीक है। तो इसे देखो उसी थ्योरम नंबर फोर की हेल्प से करेंगे। इसे आप लिख सकते हो इस तरीके से, वेक्टर बी प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सी। अब देखो बीच में प्लस आ गया, और बीच में प्लस आया तो आप वो थ्योरम लगा सकते हैं, थ्योरम नंबर 4, जो क्या कहती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है, और जो कहती है, या छोड़ो यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, यानी थ्योरम नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, वितरण नियम से। तो वो कहता है कि दोनों जगह बट जाता है जो बाहर होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर ए डॉट माइनस ऑफ वेक्टर सी हो जाएगा, ठीक है। और एक थ्योरम और थी मैंने कराई थी आपको, शायद थ्योरम नंबर है ना, देख के बताता हूँ कौन सी थी, वो है आपकी थ्योरम नंबर 3। देखो थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है कि माइनस यदि कोई से एक वेक्टर के साथ है तो माइनस बाहर आ जाता है। तो यानी इस तरीके से है, यहाँ पर है वेक्टर ए डॉट माइनस ऑफ वेक्टर सी, तो इसमें जो माइनस है ना वो बाहर आ जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बताया था मैंने माइनस बाहर आ जाता है थ्योरम नंबर 3 में, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी इसकी जगह आप वो लिख सकते हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बीच में माइनस आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक है। ये लेके चले, ये ले आए, देखो प्रूफ हो तो गया, ठीक है ना। तो इधर तो बराबर में ये चल ही रहा है, तो वी हैव, इसे इधर ही लिख लो, ये लेकर चले, यहाँ से मिटा दो इसे, ठीक है, ये लेकर चले और इधर वाला ले आए, इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, ये लेकर चले और ये ले आए, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी, हैंस प्रूफ लिख दे रहा। करो नोट, चलते हैं फिर थ्योरम नंबर 6 पर, ठीक है, आइए चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पर। थ्योरम नंबर 6, देखो थ्योरम नंबर 6 में चार पार्ट हैं। देखो किस तरीके से, फोर एनी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, फोर एनी टू वेक्टर्स, ठीक है, आपके पास दो वेक्टर हैं, और वेक्टर कौन कौन से हैं, मान लो पहला वेक्टर ए और दूसरा कौन सा है, वेक्टर बी। तो देखो क्या हो जाएगा, पहला पार्ट है वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूले है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, बस वेक्टर आ रहा है। तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये होता है, ये आपको प्रूफ करना है। नंबर सेकंड क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये थ्योरम कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग और लग रहा होगा ना। तो क्या आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर फॉर्मूला सब जानते ही हो, बीच में आ जाता है माइनस टू वैक्टर ए डॉट वैक्टर बी। ठीक है जी, नंबर थर्ड देखो, नंबर थर्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए बी, वो माइनस वेक्टर बी। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो फोर्थ क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है, ये आपके लिए नया होगा। क्या होता है, वन बाई फोर वैक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इस तरीके से है मामला। तो ये थ्योरम नंबर सिक्स है और इसमें चार बातें दे रखी हैं, बारी बारी से इन्हें प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले फर्स्ट को ही प्रूफ करेंगे, फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट को प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ हेडिंग डाल लो, और प्रूफ हेडिंग डाल के फर्स्ट देखो, फर्स्ट को प्रूफ करना है तो ये लेके चलो और वो ले आएंगे। तो वी हैव, देखो इसे लेके चलो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, इसे आप ऐसे लिख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, डॉट में करके लिख लो, है ना, इन टू में, लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इसलिए इन टू में लिख लिया, मतलब इन टू में नहीं डॉट में। ठीक है भाई, ए स्क्वायर को लिख सकते हो ना, ए इन टू ए, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसलिए डॉट में लिख लिया। ठीक है, अब आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ला, पता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है भाई, जो बाहर रहता है, बाहर मान लो ये सारा है, तो उसकी पहले वाले में मल्टीप्लाई होती है और उसकी दूसरे वाले में मल्टीप्लाई होती है, इधर तो यही चलता रहेगा, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसके सारे की इसमें भी होगी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, डॉट आएगा बीच में, वेक्टर में ए में भी और इस सारे की इसमें भी होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी डॉट वेक्टर बी में। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले में भी, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले में भी, साइड में लिख देना फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है जी, फिर यहाँ दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, आपको बताया जो बाहर होता है उसके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है जी, बीच में प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यहाँ भी तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया है दोबारा, वितरण नियम। फिर यहाँ भी देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसमें भी होगी, प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो फिर साइड में लिखना, क्या लिखोगे, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, वितरण नियम से इधर तो ऐसे चल रहा है, और देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसे आप लिख सकते हो वेक्टर ए का स्क्वायर, दो बार आ रहा है ना। ठीक है जी, और वेक्टर बी ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर बी डॉट ए के बराबर होता है, तो वेक्टर बी डॉट ए की जगह आपने क्या रख दिया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये आपका ऐसा कैसे रहेगा, वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हो इसे। ठीक है, और साइड में लिख सकते हो बिकॉज, है ना, या तो ऐसे लिख दो या फिर लिख दो फ्रॉम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया है, क्रम बदल जाए तो फर्क नहीं पड़ता है डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में। तो देखियो, आ तो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, कितना आया, वेक्टर ए का स्क्वायर, इससे पहले लिख लो वेक्टर बी का स्क्वायर, और टू वेक्टर ए भी, टू वो वेक्टर ए भी प्लस वेक्टर ए भी, कितना हो जाएगा, टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यही तो प्रूफ करना था पहली बार के लिए। ठीक है जी, यही फर्स्ट उसमें आपको प्रूफ करना था। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, सेकंड के लिए करना है, तो देखो मैं इसी में कर देता हूँ, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना,
सेकंड में प्लस की जगह उस क्या है, केवल माइनस। तो मैं जहाँ जहाँ प्लस है मैं माइनस करता जा रहा हूँ, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। आप देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा बीच में माइनस और यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना। देखो ए माइनस बी ऐसे ही रहा, ध्यान देना इस ए माइनस बी की मल्टीप्लाई ए में भी कर दी, ठीक है, और बीच में क्या था माइनस, इस ए माइनस बी की मल्टीप्लाई बी में भी कर दी, ठीक है, ए माइनस बी की करी है, सब जगह माइनस आ जाना है, ठीक है। अब देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बीच में माइनस, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ बीच में माइनस था, इस वेक्टर ए की वेक्टर बी में करेंगे वेक्टर ए बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस मत कर देना, तो दिमाग से करना है, यानी कि सब जगह ही माइनस जहाँ प्लस है, इस देखो इसकी इसमें करेंगे ये आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है जी। यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ तो प्लस है ही, ठीक है जी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आएगा माइनस, ठीक है। इसे भी आप नोट करो, ये आपका सेकंड का प्रूफ हो गया। फिर थर्ड का प्रूफ करते हैं, आइए थर्ड का प्रूफ करेंगे, क्वेश्चन वो थ्योरम नंबर 6 का थर्ड, ये दे रखा है तो इसे लेके चलो, ये ले आएंगे। तो वी हैव, देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये लेके चले आप, और देखो क्या करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो क्या आएगा वेक्टर ए, डिस्ट्रीब्यूशन लगा रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, और इसकी मल्टीप्लाई बीच में माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई दूसरे में करो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दूसरे में कर रहे हैं, तो डॉट वेक्टर बी, ठीक है, फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ला, साइड में लिख देना, ठीक है। अब देखो इसकी दोनों में होनी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाएगा, बीच में प्लस है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आ जाएगा, माइनस वेक्टर बी की वेक्टर ए में हो जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस वो माइनस प्लस माइनस, और वेक्टर बी की वेक्टर बी में हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो मैथमेटिक्स है पूरा, है ना। तो एक बात देखो, इसे लिख सकते हो आप वेक्टर ए का स्क्वायर, इसे लिख सकते हो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये तो ऐसा कैसे लिखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। और हमने क्या क्या है, हमने वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की जगह लिख दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए की जगह क्या लिख दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो आप देखेंगे कट जाएंगे, तो बचेगा सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये कितना बचा वेक्टर ए का स्क्वायर बीच में माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है, यही तो प्रूफ करना था आपको, तो ये भी आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। चलते हैं फिर फोर्थ पर, यहाँ तक नोट करो, ठीक है, आओ फोर्थ वाले को प्रूफ करेंगे फिर, ठीक है, बाकी तीन तो आपने कर ही लिए, फोर्थ वाला प्रूफ कर लेते हैं। देखो फोर्थ वाले को प्रूफ करने के लिए आप इसे लेके ये नहीं ला सकते, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो आप इसे लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा है फोर्थ, तो लिखो वी हैव, आप इसे लेके चलेंगे जो ब्रैकेट में है, तो ये क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है वेक्टर ए माइनस वेक्टर, मॉडुलस नहीं था है ना, वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है, 1/4 भी खुद आ जाएगा, इसे छोड़ो, बस ये लेके चलो, है ना, ये तो ब्रैकेट में है, ये लेके चलना है। अब देखो सारा का सारा खुद आएगा, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो इस थ्योरम 6 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार, और जो आपको पता है क्या हो जाएगा, मॉडुलस हो वो, मॉडुलस क्यों बोल रहा हूँ मैं, वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, बीच में माइनस है, तो दूसरे का खोलो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है जी, ब्रैकेट ओपन कर लो,
वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आप पाएंगे ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा फोर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फोर को इधर ले जाओ अपॉन में, ठीक है, तो क्या आएगा वन अपॉन फोर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर और बराबर में क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये फोर इधर ले गए तो यही आ गया, बस ये इधर था ये इधर था, तो इसे सही से लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इस साइड को इधर लिख लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वन अपॉन फोर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये था आपका, करो इसे नोट, ये थ्योरम कंप्लीट हुई। इसके बाद चलते हैं थ्योरम नंबर सेवन पर। ठीक है, हेडिंग थ्योरम नंबर सेवन, देखो थ्योरम नंबर सेवन जो है ना वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल यानी त्रिभुज और इनइक्वालिटी क्या होता है ये तो आप समझते होंगे, यानी विषमता, ठीक है, असमानता। इक्वलिटी यानी समता या समानता, इनइक्वालिटी विषमता या असमानता। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है, ये क्या होता है, देखो थ्योरम होती क्या है, ये होती है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन यानी कम है और इक्वल टू बराबर है, या तो किसके मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई। ठीक है जी, ये है आपकी ट्राइंगल इन इक्वलिटी, त्रिभुज असमानता या विषमता कह सकते हो। इसका प्रूफ करेंगे, देखो इसका क्या मतलब है, जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई है ना दोनों को जोड़ के मॉडुलस लो, तो वो जो आएगा ना दोनों के अलग अलग मॉडुलस के योग से, दोनों का अलग अलग मॉडुलस यानी निरपेक्ष, समझते हैं, मॉडुलस यानी परिमाण, तो दोनों के अलग अलग मॉडुलस को लेकर के उन्हें जोड़ करके उससे हमेशा ये वाला कम ही रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करना है, x प्लस वाई का ये जो है ना, ये मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेकर चलो। ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, मॉडुलस ना भी लिखो तो, क्योंकि स्क्वायर में मॉडुलस जो है ना वो माइनस को प्लस बना देता है और स्क्वायर है सारे का, तो माइनस तो प्लस वैसे भी बन जाएगा। और इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इधर ऐसे चल रहा है, ठीक है, इधर ऐसे चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मॉडुलस लगा लो यदि, इसका मतलब है एक्स वाई माइनस के हो सकते थे, भाई देखो एक्स और वाई माइनस के हो सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ मॉडुलस लगा दें तो ये एक्स वाई से जो बाहर निकल के आएगा वो तो प्लस का ही आएगा ना, मॉडुलस से बाहर निकल के जो भी आता है निरपेक्ष के निशान से बाहर निकल के आता है वो प्लस का आता है। तो मॉडुलस यदि यहाँ लगा दें, मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस तरफ जाना है ये लाना है, तो यदि यहाँ मॉडुलस लगा दें इसका मतलब है ये जो इधर वाला है, इधर वाला, क्योंकि ये तो एक्स वाई हमेशा प्लस का ही आएगा मॉडुलस लगाने से, तो इधर वाली जो टर्म है वो हमेशा प्लस की आएगी यानी बड़ी आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, किससे, इधर वाली टर्म से, यानी इधर वाली टर्म अब बड़ी रहेगी क्योंकि यहाँ मॉडुलस लग गया है, या तो बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। ठीक है, ये निशान भी आ गया, लेस देन और इक्वल टू का, यानी ये वाली साइड छोटी रहेगी। ठीक है, इधर ऐसे चल रहा है लेस देन और इक्वल टू, एक काम कर लो इन पे भी मॉडुलस लगा लो। ठीक है भाई, देखो एक्स यदि माइनस का भी होगा तो स्क्वायर हो गया तब भी प्लस आएगा, मॉडुलस है मॉडुलस के अंदर से बाहर निकलेगा तब भी प्लस का आएगा, तो बात एक ही है। और इनका मॉडुलस अलग अलग लिख सकते हो, एक्स का अलग लिख लो वाई का अलग लिख लो, तो आप देख रहे हो मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस प्लस टू इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई, इसे आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई और इस सारे का होल स्क्वायर, ए की जगह ये है बी की जगह ये है, ए की जगह ये है बी की जगह ये है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इधर क्या है
मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म कर लो तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा जो प्रूफ करना है। ठीक है जी, चलो लिख देते हैं। तो एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन है या बराबर है मॉडुलस ऑफ एक्स के और प्लस मॉडुलस ऑफ, मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई के। ठीक है जी, इस तरीके से हैंस प्रूव्ड लिख दो, ये थ्योरम आपकी प्रूफ हो गई है। ठीक है जी, नोट करो। ठीक है जी, आओ चलते हैं थ्योरम नंबर 8 पर। तो थ्योरम 8 क्या है, थ्योरम 8 है कोची, है ना, कोची इनइक्वालिटी। तो CAUCHY अपोस्ट्रोफियस, तो कोचीज इनइक्वालिटी, ये एक साइंटिस्ट है, इनइक्वालिटी। ठीक है, कोचीज इनइक्वालिटी देखो क्या है, इसे कोचीज इनइक्वालिटी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग रहता है। तो देखो कोचीज इनइक्वालिटी जो होती है क्या होती है, ध्यान देना, A1 A2, ठीक है, प्लस B1 B2। देखो मैं आपको इस तरीके से बताऊं, A1 A2 में तो आपको अभी समझ नहीं आएगा। देखो इस तरीके से, पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ, वेक्टर A जो है ना वो आप मानेंगे इस तरीके से, वेक्टर A1, वो वेक्टर A क्या मानेंगे, A1 i कैप, इस तरीके से मानते हैं ना, प्लस A2 j कैप और प्लस A3 k कैप। वेक्टर B जो मानेंगे, ये मानेंगे B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। ठीक है जी, इस तरीके से मानेंगे। तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दो, है ना, याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट में A1 B1 आएगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है वो इस तरीके से याद रखना है, A1 B1, ठीक है, 1 1 वाले एक साथ प्लस A2 B2, और कैसे आएगा सिद्ध करके बताएंगे, A3 B3। इसका जो होल स्क्वायर है वो लेस देन होता है, कम होता है या बराबर होता है किससे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये और दूसरे ब्रैकेट में B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर। ये है आपकी कोचीज इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी समझ गए, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, यहाँ पर ऐसा आना है, और यहाँ पर पहले पहले वाले का और फिर दूसरे दूसरे वालों का, सब पे क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, देखो तो करते हैं इसे प्रूफ, हैडिंग डालो प्रूफ। देखो सबसे पहले आप मान के चलोगे यही जो मैंने माना है, यहाँ से आप प्रूफ मान सकते हो, लेट ये मानेंगे, तो ये दोनों मान लिए। अब आप निकालो वेक्टर A डॉट वेक्टर B डॉट प्रोडक्ट, तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, और यहाँ क्या आता है कोस थीटा। वेक्टर A और वेक्टर B की वैल्यू रखो, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, डॉट आएगा बीच में, क्या आएगा, B1 i कैप प्लस B2 j कैप और प्लस B3 k कैप बराबर। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड है इसका और इसका, तो एक काम करो, अभी इनके मान रखे हैं ना, तो इनके मैग्नीट्यूड के भी मान रख लो। आपको पता होता है क्या करना होता है भाई, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड यदि आपको लेना है तो पता है i के कोफिशेंट का स्क्वायर अंडर रूट के भीतर प्लस j के कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशेंट का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, वेक्टर A ये रहा, तो यानी A√A1² प्लस A2² प्लस A3² और प्लस A3² दूसरे अंडर रूट में। वेक्टर B के लिए बताओ मॉडुलस, परिमाण क्या आएगा, B1² प्लस B2² और प्लस B3² ठीक है जी, और इंटू में क्या है, कोस थीटा है, इंटू में क्या है, कोस थीटा। ठीक है, यह एक काम कर लो, चलो अब बाद में करेंगे। देखो ध्यान देना, कोस थीटा को हटाना है, आपको एक बात पता होगी,
कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी एंगल की है ना, कोस जीरो की वन होती है और कोस 90 की जीरो होती है। इसका मतलब है कोस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वन है, वन से ज़्यादा कोस की वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि कोस की जो सबसे कम वैल्यू है वो जीरो है, सबसे अधिक जो वैल्यू है वन है, तो कोस की वैल्यू हमेशा वन से कम ही कम रहती है, लेस देन कम है ना, कम है कोस थीटा की वैल्यू वन से या बराबर हो सकती है, ठीक है। तो कोस थीटा की जगह वन रख दो और यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर लो, आई की आई में करेंगे, आई कैप डॉट आई कैप वन होता है, तो क्या बचेगा ए वन बी वन, जे कैप जे कैप क्या हो जाए वन, तो प्लस क्या बचेगा ए टू बी टू, के कैप क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, तो ए थ्री बी थ्री, इधर तो वही बचा, देखो आ गया कुछ कुछ। और अब देखो कोस थीटा की जगह, कोस थीटा के बराबर नहीं है वन, या तो लेस देन है या इक्वल टू है, तो कोस थीटा की जगह वन तो रख दो, लेकिन इस बराबर की जगह इस ये निशान आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, और ये दोनों एज इट इज रहेंगे, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ठीक है, और डॉट बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह वन रख दिया, लेकिन बराबर नहीं था इसलिए बराबर के निशान की जगह लेस देन और इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब आप देख लो कुछ कुछ मिलता जुलता हो रहा है जो प्रूफ करना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, तो दोनों तरफ का वर्क करने पर, स्क्वायर करने पर, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स लिख देना, तो क्या आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू और प्लस ए थ्री बी थ्री, और इस सारे का होल स्क्वायर हुआ, इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करते ही, तो आ जाएगा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर और प्लस बी थ्री स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया है, तो इसे आप बॉक्स में बंद कर दें, ठीक है जी, ठीक है। तो ये थ्योरम तो आपकी कंप्लीट हुई और प्रॉपर्टीज भी स्केलर प्रोडक्ट की आपकी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ घर से, और फिर है ना आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए नोट कर देता हूँ बस, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है, इसे आप घर से करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 26 है, और ये इसको अलग नहीं है, इसमें क्या करना है आपको एंगल फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का, ठीक है। और मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर है 26, तो इसका आंसर आएगा आपका, लिख लीजिए आप, थीटा बराबर कोस इनवर्स 4/21 है ना, 4/21, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी बुक के पहले चैप्टर यूनिट वेक्टर एलजेब्रा कर मैंने आपको पीडीएफ भी दे दी है ग्रुप में, किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, आपकी कोई कमेंट्स डाउट्स है ना, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ का साथ तैयार करते चलिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।